Oh, my God.
चरित्र के माध्यम से हम सभी लोग इस दुर्लभ भगवत भागवत कथा प्रसंग का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तुलसी संत समागम समन लाभ कछु आन, सो हरि कृपा न मिलहि बिनु गावहि वेद पुराण। ऐसा सुयोग वास्तव में संसार की कोई भी प्राप्ति आप चाहें अपने पुरुषार्थ से कर लें, लेकिन श्रवण कीर्तन के माध्यम से जो सत्संग की प्राप्ति है या जब भी होगी वो केवल श्री ठाकुर जी की कृपा से ही होगी। भागवत जी में लिखा है, श्रणवतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। श्रणवतः जो निरंतर सुन रहे हैं, श्रद्धया कैसे, श्रद्धापूर्वक श्रवण का एक ही लक्षण होता है। गीता जी में भगवान कहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान जब भी सुनता है तो उसके अंदर तत्परता होती है, वो श्रुत विषय में सुने हुए विषय में उसी क्षण लग जाता है, श्रद्धावान का लक्षण है। श्रुत विषय को तत्क्षण आत्मसात करने की जो सामर्थ्य है वो केवल श्रद्धावान पुरुष में ही हो सकती है। तत्परता ही
श्रद्धा की पहचान है। हमने जो सुना उसको हमने हृदयंगम किया, हृदयस्थ किया, अनुक्षण तत्पर माने उसी क्षण कर लिया। ऐसा विषय जरूर लाभ करता है। तो श्रणवत सुने लेकिन श्रद्धया, श्रद्धा से सुने। नित्यम श्रवण जो है नित्य करने योग्य कहा है। नित्य जब श्रवण होता है तो उससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। श्री ठाकुर जी को कर्ण रंध्रों के माध्यम से सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करने में विलंब नहीं होता है, देरी नहीं होती है। हम हजार साधन करें लेकिन वो साधन जब तक हम कर रहे हैं, मान लीजिए जब का आश्रय लिया, तब का आश्रय, व्रत का, तीर्थ का, जितने भी प्रकार के साधन हैं और हो सकते हैं, इन साधनों का आश्रय जब हम लेते हैं तो उस समय चित्त के शोधन करता हम स्वयं होते हैं। लेकिन जब हम लोग श्रद्धा से कथा श्रवण करते हैं तो उस समय चित्त के शोधन करता हम नहीं, श्री ठाकुर जी होते हैं। भगवान विशते हृदि, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाने के बाद दुनोति शमलम कृष्ण, जितने प्रकार के शमल, मल, कलमश, मलिनताएं, दूषण हो सकते हैं, श्री ठाकुर जी धुनोति उन सब को धो देते हैं, साफ कर देते हैं। पर ध्यान यह रखा जाए, मीरा जी का एक पद है, रे मनवा राम नाम रट लीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठ हित हरि चर्चा सुन लीजे। दो चीजें हैं, एक सत्संग एक कुसंग। श्री मीराबाई जी बड़ा ध्यान देने योग्य पद है, वे कह रहे हैं तजी कुसंग सत्संग बैठ, सत्संग को बाद में रखा, कुसंग का त्याग पहले रखा। वस्तुतः कुसंग का त्याग ही सत्संग है। जैसे कोई घट है, घड़े में अगर छेद है, आप जीवन भर उसको पानी से भरें, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक कि उसके छिद्र को नहीं भरा जाएगा तब तक वह घट निरंतर भरते हुए भी खाली रहेगा। सत्संग और दुस्संग दोनों की प्रबलता अपनी जगह इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि दुस्संग की चिंगारी जीव का सर्वनाश करने में पूर्ण सक्षम है और सत्संग की भी छोटी सी चिंगारी जीव का कल्याण करने में पूर्ण सक्षम है। दोनों की अपनी अपनी प्रबलता है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी दोनों प्रयाग में मिले, परस्पर चर्चा हो रही थी सत्संग और दुस्संग के विषय में, क्या आपका विचार है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भगवान जीव के कल्याण के विषय में मेरा ऐसा मंतव्य है, ऐसा मेरा मानना है कि किसी चंचल बैल के सींग पर, कोई बहुत चंचल बैल हो उसके नुकीले सींग पर एक राई का दाना रख दिया जाए, छोटा सा दाना, वो दाना जितनी देर उस बैल के सींग पर रुकेगा, इतनी सी देर भी यदि जीव सत्संग कर ले, यानी सत्संग की मात्र चिंगारी उसको मिल जाए, तो जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु जी हमारा ऐसा मंतव्य है कल्याण के विषय में कि किसी चंचल बैल के सींग पर वह राई का दाना रखा जाए और वो राई का दाना जितनी देर उस श्रृंग पर टिकेगा, यदि इतनी देर दुस्संग आदमी को मिल गया
तो इतनी देर का कुसंग ही जीव का सर्वनाश करने में सक्षम है। सत्संग और दुस्संग दोनों की अपनी अपनी बड़ी प्रबलता है, बहुत प्रबलता है। अजामिल चरित्र हम लोग श्रीमद् भागवत जी में जानते हैं कि नाम महात्म्य का प्रसंग है, पर अजामिल चरित्र से नाम महात्म्य तो स्पष्ट होता ही है, साथ ही दुस्संग कितना प्रबल होता है यह भी स्पष्ट होता है। जिस अजामिल के विषय में भागवत जी में लिखा, अयम ही श्रुत संपन्न शील गुण वृत्ताल, शील वृत्त श्रुत संपन्न थे अजामिल, वेद आदि का अच्छा ज्ञान था, शील आदि गुणों के भंडार थे, असूया नाम का दोष उनके अंदर नहीं था, मितवाक थे, कम बोलते थे, कम खाते थे, अल्पभाषी थे, बहुत कम बोलते थे, गंभीर थे, चरित्रवान थे, लेकिन केवल दुस्संग किया नहीं था, केवल एक वेश्या और शूद्र का संभोग का दर्शन मात्र किया था, दुस्संग की एक चिंगारी मात्र, और उसी से जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और दूसरी ओर यदि हम विचार करें, देखें, भक्तमाल जी में चरित्र प्राप्त होता है, श्री कृष्णदास जी महाराज, कृष्णदास जी अष्टछाप के महाकवियों में एक हुए हैं। एक बार गए हुए थे आगरा किसी कार्यवश, तो वहां वैश्या के मोहल्ले में से निकले और वैश्या बड़ा अच्छा गा रही थी, मन में विचार आया कि है तो ये कोई दैवी जीव, लेकिन कर्म विपाक वश वैश्या बनना पड़ा है, उसके गान टान से, उसके स्वर से, उसके संगीत से मोहित होके वे वहीं उसके छज्जे के नीचे खड़े होके सुनने लगे। साथ के लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई, बुढ़ापे में वैश्याओं के मोहल्ले में खड़े हैं, मंदिर के अधिकारी हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सब छोड़ छाड़ के चले गए। कृष्णदास जी उस वैश्या से मिले, वैश्या को 10 रुपए हाथ में थमाए, देवी आज रात में फलानी जगह हमारा शिविर लगा है, वहां तुम पूरी संगत के साथ और अपने संगीत का आनंद देने हमें आना, कह के फिर 10 रुपए हाथ में धर दिए। वैश्या सोचने लगी ये तो कोई बहुत तगड़ा सेठ मालूम पड़ता है। उसी रात सारी संगत के साथ वहां पहुंची और वहां जाने के बाद सारी रात उसने गाया, सारी रात नृत्य किया। कृष्णदास जी महाराज ने उसको 100 रुपए दिए, आज से 550 वर्ष कितनी कीमत होती होगी। उस वैश्या ने कहा भाई बड़ा तगड़ा रजवार है। कृष्णदास जी बोले देवी मैं सेठ नहीं, मैं तो एक सेठ का अपने छोटा सा मुनीम हूँ, तुम यदि हमारे सेठ को रिझा लोगे तो तुम्हें दुनिया में कभी किसी को रिझाना नहीं पड़ेगा, माला माल हो जाओगे, तो चलिए ना आपके सेठ जी को हम रिझा लेते हैं। कृष्णदास जी महाराज उस वैश्या को साथ लेके नाथ जी के मंदिर में आए। अब सब लोग गला गोला कह रहे थे देखो लोग मंदिर में सत्संग कराए, कथा कीर्तन कराए, ये वैश्या का नाच कराएंगे अब तो। पर कृष्णदास जी महाराज की जो भावना थी, सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने उस वैश्या को कहा देवी श्रीनाथ जी के सम्मुख खड़ा कर दिया, यही हमारे सेठ जी हैं, इनको रिझा लोगी ना तो मलमूत्र के भांडों को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किनको रिझा रही हो जिनको रिझना ही नहीं आता है। उस वैश्या को ठाकुर जी की प्रसादी वस्त्र दिए और प्रसादी आभूषण दिए, इनको धारण करके नाथ जी के सामने नाचो और जो अनुभव हो वही गाओ और उसी के ऊपर नृत्य करो। कृष्णदास जी महाराज ने उस वैश्या को कहा और श्रीनाथ जी से जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ये नाथ जी है तो ये आपका कृपा पात्र जीव, प्रारब्धवश भटक गया है, आप इस पर कृपा करें, एक बार अपनी बाकी झांकी दिखा दें। श्रीनाथ जी ने उस समय उस वैश्या को जो अपना स्वरूप सौंदर्य दर्शन कराया है, उस वैश्या ने वहां पद गाया बड़ा सुंदर, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो,
समय व्यर्थ किया, इस स्वरूप से आज तक मैं वंचित रही। और दो पंक्तियां उस वर्षा ने गाई और श्रीनाथ जी के सामने नाचते नाचते उसने अपने प्राण छोड़ दिए। आखिरी पंक्ति कुम्मनदास जी श्री कृष्णदास जी महाराज ने गाई है, कृष्ण दास कियो प्राण न्योछावर यह चित अनत न भटक्यो। आखिरी पंक्ति कृष्णदास जी ने गा के पद को पूरा किया। वैश्या के मोहल्ले में कृष्णदास जी केवल गए ही तो थे, वहां वैश्या से कोई सत्संग थोड़ी हुआ था कृष्णदास जी का, पर सत्संग की प्रबलता देखो, केवल आंशिक क्षण मात्र के संग मात्र से उस वैश्या के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ गया। नाथ जी के सामने उसने नाचते नाचते शरीर छोड़ दिया, जन्म भर की बिगड़ी आंशिक क्षण के सत्संग से उसने बना ली। कहने का तात्पर्य, दुस्संग की चिंगारी भी सर्वनाश के लिए पर्याप्त है और सत्संग की चिंगारी भी कल्याण के लिए पर्याप्त है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है जो मीरा जी कह रही हैं, रे मनवा रावणा मार तजी को संग सत संग बैठनित हरि चर्चा सुन लीजे राम नाम रट लीजे काम क्रोध मद मोह लोभ सब बाहा चित्त से दीजे मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे रे मनवा रावण रट लीजे। श्री निम्बार्काचार्य भगवान ने एक उनका ग्रंथ है दशर श्लोकी, उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है विरोधिनो रूपम अथापि ज्ञेयम्। एक सिद्धांत है उपाय के साथ अपाय को भी जानना चाहिए, हमें क्या करने से लाभ होगा यह तो जानना ही चाहिए और क्या करने से हानि हो सकती है वो भी जानना जरूरी है। जैसे एक उचित कुशल चिकित्सक किसी रोगी को औषधि भी देता है और औषधि के साथ साथ उसे किन किन चीजों से बचना चाहिए वह भी उसे बताता है, यदि उन चीजों से वह न बचे तो औषधि पूर्ण रूप में लाभ नहीं कर सकती है। निम्बार्काचार्य जी कह रहे हैं उपाय के साथ अपाय को जानो, विरोधी तत्व को अवश्य जानना चाहिए, क्या करना चाहिए यह तो जाने, क्या नहीं करना चाहिए वह अवश्य जाने, किससे बचे वह अवश्य जाने, अन्यथा स्थिति ऐसी हो जाएगी स्त्रवत्याम घटांगवत, घड़े फूटे घड़ में पानी डालते जाओ और पानी स्रवित होता रहेगा, नीचे से बहता रहेगा। एक बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव है, बहुत सुंदर। एक कोई व्यक्ति था गया गोसाई जी महाराज के पास और गोसाई जी महाराज से जाके बोला भगवान कोई फूटा घड़ा है और उस घड़े के यदि छिद्र को बंद न किया जाए और उसमें जन्म भर पानी डाला जाए तो
वह कभी पूर्ण नहीं होता। गोसाई जी महाराज ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं भैया वह भी पूर्ण हो सकता है। एक छिद्र नहीं, घड़े में अगर हजार छेद भी हो तो भी वह पूर्ण हो सकता है। बिना छेद को बंद किए वो घड़ा भर सकता है, कैसे भरेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी घट नव छिद्र को सतसंगति कर बोर, बाहर रहे न बूंद जल कीजे जतन करो। किसी घड़े में हजार छेद हो आप उसको कैसे भरेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उसको भरने का एक ही उपाय है, उस फूटे घड़े को ले जाके किसी गहरी नदी में, गंगा जी में, यमुना जी में, उस नदी में पधरा दो, उसको विराजमान कर दो और उस घड़े को नदी से बाहर ही मत निकालो, तो घड़ा भरेगा कि नहीं भरेगा? एक नहीं हजार छेद हो तो भी घड़ा भर जाएगा, लेकिन वह तब तक ही भरा रहेगा जब तक कि वो पानी में है। अगर जल से उसका संबंध विच्छेद किया तो वो घड़ा पुनः खाली हो जाएगा। इसी तरह यह शरीर नव छिद्र वाला घट है, यदि इसको पूर्ण करना है तो निरंतर कथा श्रवण, निरंतर कीर्तन, निरंतर श्रवण कीर्तन होना चाहिए। श्रणवतः श्रद्धया नित्यम, नित्य होना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय घर में होना चाहिए, आधे घंटा हमारा नियम हो, हम आधे घंटा सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे या परस्पर बैठ के हम चर्चा करेंगे। निरंतरता सत्संग में जरूर लेनी चाहिए। घर बंद कर दीजिए, 10 दिन बाद आप घर खोलिए, बंद घर में भी आपको दूषण दिखाई पड़ेगा। सत्संग तो, कथा श्रवण तो ऐसी सीढ़ी है जो केवल मोक्ष कामियों के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्त जीवों के बाद भी, मोक्ष प्राप्त जीवों को भी अगर कोई प्राप्ति शेष रह जाती है तो वो है भगवत कथा कीर्तन का श्रवण। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपनी एक सुबोधनी टीका में लिखा है कि मुक्तानाम अपि विग्रहम लीलया धृत्वा हरिम वदन्ति। जो बड़े बड़े मुक्त लोग भी हो जाते हैं वे भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, हे नाथ अगर हमारा कोई भी कर्म शेष हो तो आप कृपा पूर्वक हमें जन्म दे दें। जन्म क्यों चाहिए? बोले हरिम वदन्ति, मोक्ष में वो सुख नहीं है जो श्री ठाकुर जी को भजने में सुख है। मोक्ष प्राप्ति के बाद भी यदि कोई प्राप्ति शेष रह जाती है, कोई सुख शेष रह जाता है, तो वो कथा कीर्तन का सुख है। भक्तों के चरित्र के माध्यम से अपने समय को सार्थक किया जाए, और वास्तव में तभी तो कबीरदास जी ने कहा, जप तप साधन कछु नहीं लागे, खरचत नहीं गठरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई श्रम नहीं है, सुख साध्य साधन है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निबाहू। सुखद है, आनंद प्रद है, सबसे बड़ी विशेषता। कैसे भक्त चरित्रों को श्रवण करने में समय निकल जाता है, कैसे भगवत चरित्र इन ग्रंथों का अध्ययन करने में समय निकल जाता है, जब एक बार पढ़ने लगेंगे ना ऐसा चस्का आएगा कि आप उस चरित्र को छोड़ नहीं सकेंगे। भ्रमर गीत में यही गोपियों ने कहा है, सकृत यदन चरित्र लीला कर्ण पीयूष प्रोठेनाथ। उद्धव जी कह रहे हैं, जब तुम कृष्ण चरित्र सुनना नहीं चाहती हो तो तुम कृष्ण की चर्चा आपस में करती क्यों हो? गोपियों ने कहा, उद्धव जी यही तो सबसे बड़ी बीमारी है, एक बार जिसको इस रस का चस्का लग जाएगा वो अपना घर द्वार स्वाहा कर सकता है पर इस चर्चा को वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। ऐसी चर्चा है, सुखद चर्चा है, आनंदप्रद चर्चा है। नरसिंह जी के चरित्र का आश्रय लेकर हम लोग अनेकानेक भक्तों का, भागवतों का जो चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इन चरित्रों का यही फल है। भागवत जी में लिखा है, उत्तम श्लोक यत क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। हम उतनी देर जीते हैं जितना समय हमारा ठाकुर जी को समर्पित हो जाए, बाकी समय में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो केवल एक मुर्दे का व्यवहार है, केवल मुर्दे का।
वो उतना ही समय हम जीते जितना समय भगवत चर्चा के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से, या संत सेवा के माध्यम से, या श्री ठाकुर जी के नाम जप नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवत संबंध जो समय है वही समय सार्थक है, बाकी तो सब निरर्थक है। बड़ी प्रशंसा की है श्री नाभाजी महाराज ने भागवत श्रोमणी श्री नरसिंह जी महाराज की, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, महास्मारत लोक भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत श्रोमणी, ऊसर ते सर कियो खंड दोष ही खोयो जन, बहुत ठोर परचे दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। कल हम लोग यहाँ तक का चरित्र श्रवण कर चुके हैं। श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी महाराज के अपूर्व विश्वास का जो चमत्कार दिखाया है, हुंडी लिखी सावल शाह सेठ के रूप में आके और इतनी बड़ी चमत्कृति दिखाई कि वे सबके सब वैष्णव नरसिंह जी के यहाँ ही आसन लगा लिए और वहीं भजन कीर्तन करने लगे। आगे श्री भक्तमाल जी में जो नरसिंह जी का सबसे प्रसिद्ध चरित्रांश है, जिसमें सावल शाह सेठ जी ने आके नानी बाई के यहाँ भात भरा है, उस विषय में लिख रहे हैं, कन्या नरसी भगत की नानी बाई नाम, ब्याही काहू विमुख घर विमुख ही सबरो ग्राम, अपने भाग्य को निष्दिन रहत उदास, बात बात में लड़ पड़े विकट कर कशा सास, ऐसे विमुख घर में श्री कुंवर बाई जी नानी बाई जी पहुंची हैं कि जहाँ संपूर्ण एक परिवार नहीं संपूर्ण गांव का गांव भयमुक्त था, सारा का सारा गांव नास्तिक था। संतनाम की चीज क्या होती है ये उन्होंने कभी जानी नहीं। उनको बड़ा मन में दुख होता था, मेरा ऐसा कैसा दुर्भाग्य है कि मेरा सब जीवन संतों की सीत प्रसादी खा के पालित पोषित हुआ है और अब ऐसे बहिर्मुख गांव में मैं आ गई जहाँ संतों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, जहाँ भक्ति का लवलेश भी नहीं है। उनको बड़ा कष्ट होता। कालांतर में जब श्री नानी बाई जी की पुत्री विवाह के योग्य हुई है तो जैसी की प्रथा है मामा जो होता है वह भात भरने के लिए आता है। अब नरसिंह जी महाराज तो ऐसे निष्किंचन भक्त हैं कि सुबह खा लिया तो शाम का कोई भरोसा नहीं, मिले कि नहीं मिले, मिल जाए तो ठीक और न मिल जाए तो भी ठीक, निरंतर संकीर्तन करते हैं। ऐसे समय में नानी बाई एक दिन सास चरण ढिंग जाए, दीन वचन कर जोर के कहलन लगी लग पाए। जिस समय विवाह की तैयारी हो रही थी, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं लिखी जा रही थी, सबको निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे थे, लेकिन इनके नानी बाई के जो ससुर जी थे रंगधर जी, अच्छा नरसिंह जी के जितने चरित्र में जो जो पात्रों के नाम आए हैं, शारंगधर मुखिया, शारंगधर ठाकुर जी का नाम है, जो शारंग माने धनुष को धारण करें उनको भगवान, शारंगधर, वंशीधर, कुंवर बाई जी के देवर का नाम नारायण, सबके सब नाम श्री ठाकुर जी के और सबके सब एक नंबर के दुष्ट। हमारे कुछ बाब महाराज इस बारे में भाव देते हैं कि वस्तुतः इन दुष्टों के रूप में श्री ठाकुर जी आए थे नरसिंह जी की महिमा बढ़ाने के लिए। श्री ठाकुर जी ही बहिर्मुखों के रूप में आए हैं, उनके हृदय में विराजमान हो गए। नरसिंह जी से विरोध करो, नरसिंह जी से खूब बैर करो, जिससे नरसिंह जी की खूब महिमा प्रकट हो। अब यहां जब रंगधर जी पत्रिका लिखने लगे हैं तो सास तो इनकी विकट परकशा थी, बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। सब जगह निमंत्रण आमंत्रण भेज दिए गए लेकिन नरसिंह जी को किसी ने याद नहीं किया। क्यों?
अरे इस भिखारी को बुला के क्या अपनी इज्जत लुटवाएंगे, अपना अपयश कराएंगे, किसी ने नाम नहीं लिया। पर भाई बेटी तो बेटी, कुंवर सेना जी के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, मेरे पिताजी को किसी ने इस समय पर याद नहीं किया, जबकि एक विधान है कि मेरी कन्या के विवाह में मेरे पिता का आना परम आवश्यक है। सास के चरणों में गिरी है, सास ने खूब खरी खोटी सुनाई, अरे उस भिखमंगे को बुला के हमारी इज्जत लुटवाएगी। ब्याह योग की कन्या भई, परियो लोक व्यवहार, भात भरण को आए हैं नरसी भक्त उदार। और नरसी किंतु गरीब गुण, दियो निमंत्रण नाहि, अपने धन ऐश्वर्य को अहंकार मन माहि। इतना अभिमान था हमको अपने ऐश्वर्य का, अपने वैभव का, एक बार भी नरसी जी को कुछ पूछा नहीं। और फिर जब सास ने कुमकुम पत्रिका बनवाई है, ऐसी लंबी चौड़ी पत्रिका बनवाई है कि ऐसी पत्रिका दो कि या तो, और उसमें नीचे लिख दिया जाए, नरसी जी यदि इन इन सामानों को आप ले आए तब तो आना, और नहीं तो आने ही मत। वे तो चाहते थे कि किसी तरह से नरसी जी आने नहीं। अब एक दिन श्री नरसी जी महाराज अपना घर में बैठकर नाम संकीर्तन कर रहे थे, और इतना लंबा चौड़ी पत्रिका लेकर पुरोहित जी पहुंच गए। और नरसिंह जी के यहाँ तो निरंतर 16 सूरदास कीर्तन कर रहे हैं, और 500 संतों ने अपने अपने आसन लगा रखे हैं, सत्संग हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है। अब जैसे ही पुरोहित जी पत्रिका लेके आए हैं, सबके संत बोले, सब सोचने लगे कहीं से लगता है कि पंगत की चिट्ठी आ गई है। सबके संत बोले, नरसिंह जी आज कहाँ पंगत है, आज कहाँ भंडारा, कहाँ खाने के लिए जाना है। नरसिंह जी बोले, भैया ये चिट्ठी देने वाले सेठ जी नहीं आए हैं, ये तो पत्रिका देने वाले और धन लेने वाले पुरोहित जी आए हैं, बैठ जाओ कीर्तन करो। सबके सब संत बैठ के नाम संकीर्तन करने लगे, क्योंकि ठाकुर जी ऐसी लीला कर, हमारे पूज्यवा महाराज, एक बड़ा साधु समाज में एक कहावत चलती है, पंगत का चूका साधु और डाल का चूका बंदर, इनका कभी मंगल नहीं होता। अगर साधु पंगत छूट जाए तो बहुत बड़ी हानि है साधु की, और बंदर अगर कूदा फांदी में डाल छूट जाए तो मर जाए। अब सबके सब संत हो तो सब यही सोचे, ठाकुर जी कृपा से कभी कहीं, क्योंकि नरसिंह जी का तो कोई संग्रह परग्रह का स्वभाव ही नहीं था, तो सबके सब यही सोच रहे कहीं से चिट्ठी आई होगी, कहीं से आमंत्रण निमंत्रण आया होगा। नरसिंह जी बोले, भैया बैठ के नाम संकीर्तन करो, इतनी लंबी चौड़ी पत्रिका आ गई है। अब पुरोहित जी को, सब संतों को कहा, नरसिंह ने जाओ जाके भिक्षा मांग लाओ, लौटते समय कंडा उपला ले आना, बना के कुछ पुरोहित जी को तो भोग लगा दें। अब पुरोहित जी भी बैठे बैठे सोच रहे हैं, पता नहीं किस कंगाल के घर में आज आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भूखे लौटना पड़ेगा। पुरोहित जी महाराज वहां से चले गए, और जब अगले दिन पुरोहित जी गए हैं, कुछ ही दिन भाग के रह गए थे, नरसिंह जी महाराज ने उस पत्रिका को लेकर श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसको कहते हैं शरणागति। अब जब सब कुछ समर्पित कर दिया तो फिर हमें अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने भक्ति के जो 9 अंग बताए हैं, उसमें सबसे आखिरी अंग उन्होंने कहा है आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण के ऊपर टीकाकारों ने इतना सुंदर भाव दिया है, बोले आत्मसमर्पण ऐसा होना चाहिए जैसे किसी व्यक्ति के पास गाय है, वो व्यक्ति उस गाय को किसी दूसरे आदमी को बेच दे, अब बेचने के बाद उस व्यक्ति को उस गाय की कोई चिंता नहीं रह जाती है कि गाय ने खाया कि नहीं खाया, गाय कहाँ बैठी है कि नहीं बैठी है, अब ये चिंता उसकी है जिसको उसने बेच दी है। उसी तरह से शरणागति के मार्ग में एक बार जो जीव श्री ठाकुर जी के शरणागत हो जाता है, फिर उसको अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि चिंता है तो इसका मतलब वह शरणागत नहीं। बड़ा सुंदर पद है, हरिजननी मैं बालक तेरा, बालक काहे न अब गुण बक्से मेरा, हरिजननी मैं
सच बात तो यह है कि हम लोग शरणागत नहीं होते हैं। एक गोद का शिशु अपनी माँ के कितना शरणागत होता है। एक दक्षिण भारत के भक्त की चर्चा है। एक भक्त हुए दक्षिण भारत, भक्त नहीं आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य जी की परंपरा में, श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जी महाराज। लक्ष्मी नारायण आचार्य जी महाराज एक बार बैठे हुए थे श्री रंगनाथ भगवान के सम्मुख। बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि हम जीवों के अंदर श्री ठाकुर जी के प्रति कुत्ते जैसी शरणागति भी तो नहीं है। एक कुत्ता भी जिस दरवाजे का टूट जूट खाता है उसकी 24 घंटे रखवाली करता है, पर जिन श्री ठाकुर जी का दिया हम लोग सब उपभोग करते हैं उनके प्रति हमारी आंशिक शरणागति समर्पण नहीं है। लक्ष्मी नारायणाचार्य जी ने उसी दिन मठ मंदिर छोड़ दिया और मठ मंदिर छोड़ के जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ के, और इस तरह से बैठे जैसे एक कुत्ता बैठता है, ऐसे जाके दोनों हाथ और दोनों पैरों से जाकर बैठ गए और मन में ये विचार कर लिया कि ज्यादा नहीं तो कम से कम कुत्ते की तरह शरणागत तुम ठाकुर जी का हो जाओ। कबीर दास जी का दोहा है बड़ा सुंदर, कबीरा कुकुर राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबरी जित खेचे तित जाम। कबीर दास जी कह रहे हैं ये राम जी का कुत्ता है, गले में राम जी की डोरी बंधी है, जहां राम जी खींच देंगे, जहां ले जाएंगे, जो खिला देंगे वही खा लेंगे। इसी भावना को समर्पण कहा गया, इसी भावना को शरणागति कहा गया। केवल अभी एक दिन हुआ था उनको मठ मंदिर छोड़े लक्ष्मी नारायणाचार्य जी को, और परिणाम यह हुआ सबके सब लोग आए शाम को, रंगनाथ जी शयन भी हो गया, भोग प्रसाद भी सबने खा लिया, आचार्य चरण कहां गए। 10-20 शिष्य टोल बना के आए, देखा तो गुरुजी तो अरे बहुत ही एक विचित्र पद्धति से बैठे हुए हैं। गुरुजी प्रणाम दंडवत चलिए, मठ मंदिर खाली पड़ा है, सुना पड़ा है। अब जब कहें तो गुरुजी कुत्ते की तरह भौंकने लगे, और सबने चेलाओं ने सोचा तो गुरुजी लगता है इनकी दिमाग खराब हो गया, तो पागल हो गए। और जो स्वार्थी चेला थे 2-4 वो तो लौट गए, अच्छा है गुरु जी यही रहे मठ मंदिर तो हम संभाल लें। कुछ ऐसे भी थे जिनको बड़ा कष्ट था, पर अब गुरु जी नहीं जाए तो नहीं जाए, कर क्या सकते हैं। केवल अभी संध्या हुई थी, रात्रि के समय जब रंगनाथ जी का शयन हो गया, श्री रंगनाथ भगवान हाथ में सोने का कटोरा और खीर से भरकर लाए, और जब श्री रंगनाथ जी उनके पास बैठे तो श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी रंगनाथ जी को ऐसे चाटने लगे जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को चाटता है, जीभ से चाटने लगे। श्री ठाकुर जी ने लक्ष्मी नारायणाचार्य जी को अपने हाथ से सोने के कटोरे से खीर पिलाई। रोजाना का नियम हो गया, रोजाना रात्रि में रंगनाथ जी आते और उनको खीर पवा जाते। एक महीने तक ये लीला चली, और उसके बाद एक दिन श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है कि श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाते ही वो भगवत रूप हो गए। श्री ठाकुर जी ने उनको अपने धाम में भेज दिया, और उस दिन जब पुजारी श्री रंगनाथ जी की आरती करने गए हैं तो रंगनाथ भगवान रो रहे थे, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान जय जय आपको क्या कष्ट है, बोले लक्ष्मी नारायण चार्य भक्त जो थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो नाथ जी इसमें रोने की क्या बात है, वे तो मर के भी तो शरीर छोड़ के भी तो आप ही के पास गए हैं। बोले मेरे पास तो गए हैं, पर मुझे कष्ट इस बात का है कि अब संसार में इस भाव वाला कोई दूसरा वैष्णव हो नहीं पाएगा, ऐसी शरणागति अब देखने को मिलेगी नहीं। शरणागति का मतलब ही यह है आत्म निक्षेप, निक्षेप कहते हैं संस्कृत में फेंक देना, अपने आप को श्री ठाकुर जी के चरणों में ऐसे फेंक दो। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक का एक बड़ा सुंदर भाग है, आश्लिष्यवा हे नाथ, ये जीव अब आपके ऐसे शरणागत हो गया है, आप इसे भुजाओं में भरें तो ठीक, और आप ठोकर मार के भगा दें, चरण से लात मार के भगा दें तो भी ठीक, पर मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं।
सहजो भाई जी कह रहे हैं, मारो छिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, आप मार देंगे भगा देंगे। एक माँ छोटे से बालक को फटकार देती है, डांट देती है, पर बालक फिर भी तो सरक सरक के माता की गोद में ही आके गिरता है। शरणागत भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। आत्मनिक्षेप, निक्षेप माने फेंक दो, ठाकुर जी के चरणों में स्वयं को फेंक दो। अब श्री ठाकुर जी उस वस्तु का चाहे जैसे उपयोग करें। अचेतव पारतंत्र में प्रपत्ति ही, अचेतन वस्तु की तरह भगवान के अधीन हो जाना ही शरणागति है। जैसे कोई भी जड़ चीज है, कोई कपड़ा है, कोई भी वस्तु है, वो मालिक के पास जब तक रहती है, मालिक उस वस्तु का चाहे जिस तरह से उपयोग करे, वो वस्तु कभी ये नहीं पूछती कि आप मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं, आप मुझे किस तरह से उपयोग में ले रहे हैं, कभी नहीं पूछती। जड़ वस्तु की तरह ठाकुर जी के अधीन हो जाओ, वो चाहे जिस स्थिति में रखें, वो चाहे जैसे रखें, चाहे जो करें, हमारा जैसा भी उपयोग करें, हमें पूछने का अधिकार नहीं, हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं। जब ऐसी शरणागति हो जाएगी, ऐसा शरणागति का भाव सिद्ध हो जाएगा, तो श्री ठाकुर जी प्रतिज्ञा है, गीता जी का प्रसिद्ध श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं ऐसे शरणागत अनन्य चित्त वाले भक्त का स्वयं योगक्षेम ढूंढता हूं, मैं स्वयं वहन करता हूं। यदि एक चरित्र सुना हो, वाचस्पति मिश्र दक्षिण भारत में हुए बहुत बड़े विद्वान, गीता जी पर टीका लिख रहे थे, और जब ये श्लोक आया, भगवान ने कहा अजो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, उसको आटा दाल चावल की जरूरत है तो मैं स्वयं कंधे पर ढोके लाता हूँ। तो वाचस्पति मिश्र जी को ये श्लोक समझ में नहीं आया, उन्होंने वहाम्यहम की जगह ददाम्यहम कर दिया, मतलब मैं ढोता नहीं हूँ, किसी ना किसी के द्वारा दिलवा देता हूँ। भगवान कैसे ढोएंगे, कंधे पर ढोके लाएंगे आटा दाल चावल, उनको समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने एक लाल कलम से लेके उस वहाम्यहम शब्द को अंडरलाइन कर दिया और उसकी जगह ददाम्यहम नीचे लिख दिया। गंगा जी नहाने चले गए, पीछे से श्री ठाकुर जी, घर में उस दिन कुछ नहीं था, छोटे से बालक के रूप में और आटा दाल चावल ढो के आ गए। श्री ठाकुर जी के छाती पर एक चीरा लगा हुआ था, लहूलुहान हो रहे थे, खून बह रहा था छाती से। अब वाचस्पति मिश्र जी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने जब उनको देखा है, अरे बालक ये तेरी छाती पर ये खून कैसे निकल रहा है, बोले माता जी ये गुरु जी ने आज ज्यादा पिटाई कर दी इसलिए छाती से खून निकल रहा है, और आज मैंने सुना गुरु जी के घर में कुछ है नहीं, तो मिश्र जी का घर है ना ये, बोले हाँ हाँ मिश्र जी, तो कहाँ है गुरु जी, और ठाकुर जी को सब पता है, जानबूझ के उस समय आए जिस समय मिश्र जी घर में ना हो, तो गुरु जी कहाँ है, बोले बेटा वो तो नहाने गए हैं नदी पर। अच्छा तो आज गुरुदेव के घर में कुछ नहीं है, मुझे यह पता चला, मैं ये सब सामग्री ले आया हूँ, अब इतना सामान ढोए हुए थे। अच्छा बालक तो तू बैठ जा थोड़ी देर, पानी पी ले, विश्राम कर ले। नहीं नहीं माता जी अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, कह के चले गए। अब मिश्र जी की पत्नी बैठी बैठी सोच रहे हैं, आज आने दो मिश्र जी की खबर लूंगी इनकी ठीक से, छोटे छोटे बालकों को इतनी बेरहमी से पीटते हैं। और मिश्र जी जब घर में लौटे हैं तो बरस पड़ी है, तो क्यों जी आपने ऐसा कैसे उस बालक को मार दिया, छाती से खून निकाल दिया, इस तरह का कोई नृशंस व्यवहार आपको शोभा देता है। अब मिश्र जी को तो कुछ भी नहीं पता, बोले कौन बालक किसको मारा, देवी क्या कह रही हो, बोले वही जो आपका चेला, आप जिसको पढ़ाते हो, सुना है कि आज आपने उसको बहुत पिटाई की है। तो मिश्र जी बोले देवी मैं किसी से नहीं मिला, पूरी बात बताओ क्या है। तब उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। मिश्र जी को बात याद आ गई, जब गीता जी लेकर बैठे वो श्लोक को जो उन्होंने लाल कलम से खींच दिया था, भगवान ने स्वयं कहा गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन गीता मेरा हृदय है, उस पर कलम खींचकर मानो मिश्र जी ने श्री ठाकुर जी के हृदय को चीर दिया था। और भगवान ये विश्वास कराने आए थे, अर्जुन गीता का कोई भी शब्द ऐसा मत समझना कि महाभारत की युद्ध भूमि में कहा है तो उलटफेर हो गई है, ये हर शब्द मैं सार्थक करता हूँ,
योगक्षेम वहाम्यहम, मैं स्वयं वहां ही ढोता हूँ और ढोके दिखाया, उनके घर में स्वयं कंधे पे आटा दाल चावल लेकर आए। कितने भक्तों के चरित्र हैं जहाँ श्री ठाकुर जी ने पग पग पर भक्तों का योगक्षेम वहन किया, स्वयं भगवान ने वहन किया। यहां भी श्री नरसिंह जी महाराज ने जैसे श्री ठाकुर जी के चरणों में वह पत्रिका लिखी रखी है, निश्चिंत होकर बैठ गए नरसिंह। नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर बैठ गए। अब नरसिंह जी महाराज ने व्यवस्था शुरू की, सोचने लगे अब कल के दिन जाना है भारत में तो क्या किया जाए। अब अपने किसी परिवार वाले को कहें कोई जाने को तैयार नहीं, नेता ब्राह्मणों से कहा वे भी जाने को तैयार नहीं, अपने बड़े भैया वंशीकर जी को हाथ जोड़ के कहा वे भी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि सब यही सोच रहे इस भिखारी के साथ जो जाएगा अपनी इज्जत लटवाएगा, कौन जाए, कोई नहीं जाने को तैयार। आखिर में श्री नरसिंह जी महाराज अपने एक किसी परिचित मित्र के घर में गए, भैया इतनी दूर है अंजार, कैसे जूनागढ़ से अंजार पैदल जाएंगे। श्री नरसिंह जी महाराज ने अपने उस मित्र से बैलगाड़ी मांगी, अब बैलगाड़ी उसने कहा भैया बैलगाड़ी दे तो देंगे पर गाड़ी कितनी दूर चल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भैया तुम दे दो। अब नरसिंह जी ने जोड़ जाड़ के उन पहियों को गाड़ी तैयार की, किसी दूसरे मित्र के यहाँ से दो बैल ले आए। अब वे बैल भी बिल्कुल मरासु स्थिति में थी, बिल्कुल मरणासन्न, उन्हें कोई जान ही नहीं थी। अब बार बार उनको ठोके बजाने नरसिंह जी ने उन बैलों के कान में कहा भैया बहुत दिन तक तुमने संसार को ढोया है, अब थोड़ा सा परमार्थ का काम भी कर लो। अब उन बैलों की टांग पूछ पकड़ के जैसे तैसे उनको खड़ा किया और बैलगाड़ी में उनको जोत दिया। उसके बाद नरसिंह जी सोच रहे अकेले जाएं या किसको ले जाएं, श्री ठाकुर जी ने इशारे में कहा नरसिंह जी आपके सच्चे खानदानी कुटुंबी जन तो ये 16 सूरदास ही हैं, ये जितने संत हैं यही तो आपके सच्चे संबंधी हैं, आप इन्हीं को अपने साथ में ले जाएं। अब नरसिंह जी महाराज उन सभी संतों को साथ में लेकर जब चले हैं, बड़ा सुंदर श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल जी में वर्णन किया है, सुता ससुरार भयो छूछक विचार सासु देत बहु गारी जाको निपट अभाव है, चले गाड़ी टूटी सी उभय बूढ़े बैल जोर पहुंचे नगर छोर द्विज कहीं जाए के। श्री नरसिंह जी महाराज टूटी सी बैलगाड़ी में जब बैठ के चले हैं, सामान के नाम पर क्या था नरसिंह जी, भक्तों के घर में कौन सी गृहस्थ की सामग्री होती है, एक बोरा गोपी चंदन का भर लिया और तुम्बा चिमटा कंठी माला झान पखावा ढोल मृदंग सबके सब भर लिए नरसिंह, जो घर में सामान था सब भर लिया। और जब श्री नरसिंह जी महाराज वह सब सामग्री लेकर चलने को उद्यत हुए हैं, नरसिंह जी थोड़ी दूर ही चले थे, ज्यादा दूर चल ही नहीं पाए, थोड़ी दूर ही चले थे कि उसी समय वह टूटी गाड़ी का जो पहिया था अपने आप खुल के गिर पड़ा और सब दोनों के दोनों बैल चारों पैर फैला के पटक गए, दोनों के दोनों गिर पड़े और कोई सूरदास बैलगाड़ी के नीचे तो कोई ऊपर तो कोई गड्ढे में गिरा तो कोई कहीं गिरा। अब नरसिंह जी महाराज जो है वहां बैठे बैठे ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, नरसिंह जी का पद है छोछकरी ठाकुर ने लाज। ये दो प्रकार की बातें हैं, गीता प्रेस से जो प्रकाशित पुस्तक है उसमें लिखा है मायरा के लिए नरसिंह जी गए हैं और भक्तमाल जी के अनुसार छोछक देने के लिए नरसिंह जी गए हैं। छोछकरी ठाकुर ने लाज भक्त वचल प्रभु कीने सारे काज, हे नाथ अब तो ये भात भरने की लाज आप ही को है, आप जाने आपका काम जाने। और वहां बैठ के नरसिंह जी ने तो उन सभी सूरदासों को कहा भैया आज ऐसा लगता है ठाकुर जी यहीं बैठ के कीर्तन सुनना चाहते हैं तो चलो हम सब के सब यहीं बैठ के नाम संकीर्तन करें। और वहां नरसिंह जी ने बड़ा सुंदर पद गाया, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, हे
Thank you.
अर्जुन के सारथी तो भगवान बने ही, जगत प्रसिद्ध बात है। नरसिंह जी के सारथी भी बने, जगत प्रसिद्ध बात है। गुजरात के ही भक्त श्री रामदास जी महाराज डाकोर में, जिनको श्री ठाकुर जी ने अपनी चोरी करने की आज्ञा दी थी, रामदास जी महाराज, इनका प्रतिदिन का नियम था, प्रतिदिन नहीं हर एकादशी का, हर मंत्र दिन में एकादशी के दिन आते और द्वारिका में जाते, वहां रणछोड़ लाल जी का दर्शन करते, सारी रात उपवास और नाचते गाते रात जागरण करते थे। अब जब ये थोड़े से वृद्ध हो गए, शरीर की शक्ति शिथिल होने लगी, ठाकुर जी ने कहा, रामदास जी अब आप मत आया करिए। अब भगवान ने कहा तो रामदास जी बोले ठीक है नहीं आएंगे महाराज, पर जब एकादशी का दिन आया तो इनसे रहा नहीं जाए। अब स्मरण याद आने लगी ठाकुर जी की, अब जैसे तैसे सुबह से चले, दो चार छह घंटा में चलते चलते जब वहां पहुंचे, भगवान रुष्ट होके बोले, रामदास जी आपको पिछली बार हमने मना किया था, आप फिर इस बार आ गए। रामदास जी बोले, प्रभु मुझे आपका दर्शन किए बिना मेरे से रहा नहीं गया। ठाकुर जी बोले, तो मुझसे भी अब तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, ऐसा करना अगली बार आओ तो एक बैलगाड़ी ले आना, हम ही आपके साथ चलेंगे, आप तो आए बिना मानोगे नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। रामदास जी बोले, प्रभु काय को पिटने के काम हमसे करा रहे हो, खूब पिटाई पड़ेगी, दरवाजे पे सुरक्षा पहरा बैठा रहता है, आपकी चोरी को इतनी आसान बात है। ठाकुर जी बोले, रामदास जी उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जीवन भर हमने यही काम किए हैं, तो प्रभु आप तो करवे की अभ्यस्त हो, करना जानते हो, पर मेरी क्यों बुढ़ापे में पिटाई करवाना चाहते हो महाराज, नहीं नहीं हम जो आज्ञा दे रहे करिए। अब रामदास जी अगले दिन अगली एकादशी पे बैलगाड़ी में आए, लोग सोच रहे थे बूढ़े हो गए, चला फिरा नहीं जाता इसलिए बैलगाड़ी लाए। अब श्री रामदास जी महाराज ने श्री ठाकुर जी को कह दिया, नाथ बैलगाड़ी तो आ गई, अब जो जैसे करना हो सो करो। बोले, आज की एकादशी तो आप रात जागरण करिए, कल द्वादशी की तिथि में पश्चिमी द्वार से खिड़की से घुस के हमें निकाल लेना। अब श्री रामदास जी महाराज प्रभु की आज्ञा अनुसार द्वादशी तिथि में बेचारे दुबले पतले बूढ़े वैष्णव रात के समय घुसे पश्चिमी द्वार में, और वहां से जितना उनको ले जाने की उतावली नहीं है जितनी ठाकुर जी को जाने की उतावली है। अब पुजारी तो सब शयन करा के गए, सारे श्रृंगार उतार के गए हैं, और ठाकुर जी आधी रात को जगे और हार भी पहन लिया, कड़ूला भी पहन लिया, पूरी अलवारी पेटियां खोल खोल के जितना गहना लग सकते थे लग लिया, क्यों हम तो जाएंगे जाएंगे गहना भी चला जाएगा तो अच्छा रहेगा, खूब संत सेवा होगी। और रामदास जी जब आए हैं रणछोड़ लाल जी के पास, रामदास जी ने सबसे पहले वो गहने उतारे, और ठाकुर जी उतारे नहीं, बोले नहीं नहीं हम तो गहने सहित जाएंगे महाराज, ज्यादा पिटाई हो जाएगी हमारी, ये गहने तो आपको उतारने पड़ेंगे, क्योंकि उनको गहनों का लोभ थोड़ी था, वो ठाकुर जी का लोभ था। अब ठाकुर जी उतारे नहीं गहने, रामदास जी बोले, महाराज चलना हो तो चलो, नहीं छोड़ जाएंगे हम गहने सहित आपको नहीं ले जाएंगे, ये तो आपको उतारना ही पड़ेगा। अब ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी सब गहना उतार के फेंक फांक दिए, और जल्दी से रामदास जी ने उनको गोदी में भर के बैलगाड़ी में बिठाया, और जिस समय बैलगाड़ी में श्री ठाकुर जी को बिठाया है, रामदास जी ने सारी रात चलते रहे सारी रात। अब सवेरा हुआ, पुजारी आए, मंदिर सुना पड़ा, कपड़ा बिखरे गहने अस्त व्यस्त, पुजारी समझ गए कल रामदास आया था बैलगाड़ी पे बैठ के, लगता है वही रणछोड़ लाल जी को चोरी करके ले गया। अब सबके सब पीछे दौड़े, पुजारी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, बुड्ढे थे, श्री ठाकुर जी उस समय सारथी बने का कार्य किए हैं, रामदास जी आप जल्दी नहीं चला पाएंगे, हम स्वयं गाड़ी को हाँकेंगे। थोड़ी दूर तक ठाकुर जी चलाए, जैसे पुजारी दिखाई पड़े भगवान ने गाड़ी को छोड़ दिया। रामदास जी बोले, बस प्रभु हो गई लीला आपकी, आप तो अलग हो गए, हमें मरवाओगे, आ रहे हैं पीछे से आपके नाना, भक्तमान जी में ऐसा ही लिखा, अब आप कहो तो हम इनसे क्षमा मांग लें और आपको वापस दे दें। रणछोड़ जी बोले, नहीं नहीं रामदास जी वापस मत देना बिल्कुल, अरे हमारे भक्त तो अपनी जान हथेली पर धर के लीला करते हैं, तो महाराज मेरी भी जान हथेली पर धरवाओगे आप। एक पद है सुखदास जी का, प्रीति की रीति को पैनो ही न्यारो, बातन प्रीति ना हो ये सखी, यह
आपको बहुत प्रेम करते हैं, इसी इतना कहने से प्रेम शब्द नहीं हो जाता है। प्रेम के लिए तो सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास यह प्रीति कठिन है, शीश दिए बिना होए ना गुजारो, प्रीति की रीति को पैणो ही न्यारो। पैणा माने रास्ता, ये मार्ग बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। बलिदान का मार्ग है, प्रेम का मार्ग, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा प्रेम, ऐसे ही जिंदगी नहीं हो जाएगी प्रेम की। ठाकुर जी बोले, रामदास जी हमें वापस मत देना, आप गाड़ी हाँकते रहिए और हमें उठा के ये पास में बावली है, कुएं जैसी बावली होती थी पानी का स्थान, इसमें हमें पधरा दीजिए। श्री रामदास जी ने उनकी इच्छानुसार ठाकुर जी को बावली में रख दिया और रथ को हाँकने का नाटक करने लगे। पीछे से पुजारी आए, न कुछ पूछा न ताचा, और लगे रामदास जी को पीटने, खूब पीटा, खूब मार लगाई। अब पुजारी बोले, कहाँ है रणछोड़लाल जी, कहाँ है ठाकुर जी। अब वे कुछ बोले ही ना, कुछ बोले ही ना। किसी ने, एक ने कहा, भैया हमने यहाँ इनको आते जाते देखा, इस बावली में देखो, बावली में देखा तो सारी बावली का पानी खून से लाल हो गया था, सारा पानी लाल। पुजारियों ने जब श्री ठाकुर जी के विग्रह को निकाला उसमें से, ठाकुर जी करा रहे हैं, यहाँ से मत उठाइए, यहाँ से मत उठाइए, यहाँ बहुत चोट है, यहाँ बहुत पीड़ा है, यहाँ बहुत दर्द है, जैसे प्रभु आपके शरीर पे घाव ही घाव हो गए श्री ठाकुर जी के। नाथ ये घाव कैसे? बोले, तुमने रामदास को पीटा ना, इसकी सारी चोट मैंने अपने शरीर पे ले ली, तुमने रामदास को नहीं बल्कि मुझे ही मार लगाई है, अब मैं तुम्हारे साथ कदापि नहीं जाऊंगा। भगवान ने शपथ खा ली। ब्राह्मण बोले, महाराज आप नहीं जाओगे, हम यही शरीर छोड़ देंगे और आपको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, जब हम प्रलय करते हैं ना, हजारों ब्राह्मण मरते हैं, हमें एक की भी हत्या नहीं लगती है, तुम्हारे 10-20 के मरने से क्या होगा, तुमने इतने भक्त, बड़े भक्त का अपराध कर लिया, हमें ब्राह्मण हत्या लगाते हो, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। महाराज हमारी जीविका के लिए तो कुछ बताओ। बोले, जीविका के लिए दूसरी मूर्ति पधरा लो, हम नहीं जाएंगे। ठाकुर जी ने दया करके, जानते हैं पुजारियों को हमसे तो कोई प्रेम है नहीं, इनको तो केवल अपने धन से जीविका से प्रेम है। बोले, अच्छा हमारी बराबर मूर्ति का सोना तुमको रामदास जी दे देंगे। रामदास जी सोच रहे, महाराज हमारे घर में 2 समय की रोटी का तो प्रबंध नहीं है, और अपने बराबर सोना और तुलवा रहे हो हमसे, हमारे पास कोई सोने की व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी बोले, रामदास जी घबराइए मत, घर में चलिए, इन ब्राह्मणों को बिठाइए और अपनी स्त्री के कान की बाली से अपने विग्रह, हमारे विग्रह को आप नाप तौल कर दीजिए। ठाकुर जी की लीला है, कहां तो 16,108 रानियों ने अपने गहने तराजू पर रख दिए, ठाकुर जी उनके बराबरी, ठाकुर जी की बराबरी नहीं कर पाए, और कहां रामदास जी की स्त्री की एक कान की बाली ठाकुर जी से ज्यादा भारी पड़ गई, ज्यादा भारी हो गई। ब्राह्मण जो थे वो तो पूरा 5-7 मन का तराजू लाए थे जिससे ज्यादा ज्यादा सोना चढ़ जाए, वहां ठाकुर जी ने केवल एक छोटी सी कान की बाली से सारा अपने आप को माप तोल करा दिया, सबके सब लेकर लौट गए। रामदास जी महाराज का सारथ्य श्री ठाकुर जी ने किया। एक वेदों में बड़ा सुंदर एक मंत्र है, आत्मानं रत्नं विद्धि शरीरं रत्नमेव च, बुद्धिं तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये हमारा तुम्हारा जो शरीर है ये एक रथ है, किसी गाड़ी का, गाड़ी बहुत बढ़िया हो और इस आत्मानं रथिनम, इसमें बैठने वाला जो रथी है वो कौन है, वो जीवात्मा है। शरीर एक रथ है, जीवात्मा रथी है, और बुद्धिं तु सारथी, बुद्धि ही इसकी सारथी है। शरीर रथ और जीवात्मा रथी और बुद्धि इसकी सारथी है। यदि कोई चालक किसी डाकू से मिल जाए तो वो कहीं भी मालिक का अपहरण करा सकता है, मालिक की जान जोखिम में डाल सकता है। अगर कोई ड्राइवर किसी चोर डाकू से मिल जाए तो कभी भी गाड़ी में मालिक को बिठा के कुछ भी करा सकता है। भागवत जी में भी इसी भाव का बड़ा दिव्य श्लोक वहां लिखा है, हे नाथ हमारा ये जो मन है, बुद्धि रूपी जो सारथी है, वो विषय रूपी डाकुओं से मिल गई है,
और इस बुद्धि रूपी सारथी ने इस जीवात्मा का विषय रूपी डांकों से मिलके सर्वनाश करा दिया है। इस जीवात्मा का बचाव, इसकी सुरक्षा तो तभी हो सकती है जब इस शरीर रूपी रथ और जीवात्मा रूपी रथी के सारथी के रूप में आप बैठ जाएंगे, तो ही ये रथ सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा कब विषय रूपी डांकू इसको पटक दें, इसको विषयों के मार्ग में ले जाएं, इसको उत्पत पर ले जाएं, इसका विनाश कर डालें, कोई भरोसा नहीं। जब तक ठाकुर जी रथी सारथी नहीं है, तब तक हम लोग दिन रात लुटते ही रहेंगे। कबीरदास जी का पद है, तेरी गठरी में लागा चोर, बटुईया कास हो गए। तुम सोते रहो और दिन रात लुट रहे हो, दिन रात चोरी हो रही है, और हम लोग अपने विनाश को जान नहीं पा रहे। सारथी श्री ठाकुर जी को बना लिया जाए। अर्जुन के रथ में तो चार ही घोड़े थे, पर हमारे तुम्हारे शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े हैं। कोई घोड़ा किसी दिशा में, कोई घोड़ा किसी दिशा में, वो 10 घोड़े क्या है, ये 10 इंद्रियां ही 10 घोड़े हैं। इसलिए तो कहा है, देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इनमें संयम के दिन रात कोड़े लगे, अपने मन को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन सुमारक पर जाए, इसके लिए इसके चालक बुद्धि, बुद्धि मन की स्वामिनी बुद्धि है। गीता जी में भगवान ने कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यो परमनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। अगर बुद्धि श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए, तो सारी जीवन शैली ही सुधर जाए। गीता जी में भगवान कह रहे, मई एव मन आदस्व मई बुद्धि निवेशय। हम लोग उल्टा करते हैं, मन बुद्धि तो भगवान को देते नहीं, इंद्रियां भगवान को दे देते हैं। फिर हम सोचते हैं, जब जाप कर रहे हैं तो भी मन इधर भाग रहा है, और हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो भी मन 10 दिशाओं में घूम रहा है। अरे समर्पण इंद्रियों का नहीं, मन बुद्धि का किया जाए। जब मन बुद्धि समर्पित हो जाएगी, अगर सारथी ठीक हो तो भैया घोड़े तो अपने आप सही मार्ग पर चलेंगे। यदि मन बुद्धि ठाकुर जी को समर्पित हो जाए, तो फिर यह शरीर रूपी रथ उत्पतगामी नहीं हो सकता है, फिर ये ठीक सन्मार्ग पर चलेगा। नरसिंह जी महाराज ने भी श्री ठाकुर जी को अपना सारथी बना दिया, घोड़ों की बागडोर को ठाकुर जी के हाथों में समर्पित कर दिया, और श्री ठाकुर जी जैसे ही वहां से उस रथ को लेकर आगे बढ़े हैं, नरसिंह जी महाराज गाते जा रहे हैं, एक बड़ा सुंदर भाव है हमारे को जवाब मोहे ले चले अपनी नागरिया वंशी बारे सांवरिया, अपने घर से दूर हूं मैं, प्रेम राह से दूर हूं मैं, ये है पाप की नागरिया वंशी बारे सांवरिया, चलने में मजबूर हूं मैं, कदम कदम पे चूर हूं मैं, भारी पाप की गाठरिया वंशी बारे सांवरिया, श्याम दर्शन दिखलाता जा, मार्ग मुझे बतलाता जा, पार हो भव की सागरिया वंशी बारे सांवरिया, मोहे ले चल अपनी नागरिया वंशी बारे सांवरिया, मुरली बारे
महाराज कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, बेसुध है, उन्हें कोई होश नहीं है। और थोड़ी ही देर में श्री ठाकुर जी ने अंजार में गाड़ी को ठिकाने लगा दिया। नरसिंह जी अंजार आ गया, आपका मुकाम भी आ गया और मुझे भी यहीं तक आना था, अब मैं चलता हूं। नरसिंह जी ने किसना खाती को कहा, किसना खाती तेने कोई मजदूरी तो ली नहीं है, देखो ये हमारी रिश्तेदारी है, तू कहे तो भैया हमारे साथ चल और तेरी अच्छी खातरदारी करा दे हम यहाँ। ठाकुर जी मने मन हंस रहे, अपने तो बाल हो राज का ठिकाना नहीं, हमारी खातरदारी कराएंगे। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नरसिंह जी, और कभी देख लिया जाएगा, आपकी इतनी कृपा बहुत है, हम इस समय बहुत व्यग्रता में निष्क्रियता में है, हमें इस समय जाना ही होगा। ठीक है, तो कृष्णा खाती, ठाकुर कृष्णा खाती ने कहा नरसिंह जी कभी भी मेरी जरूरत हो आप निसंकोच भाव से मुझे स्मरण भी कर लेंगे तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा भैया तुम तो अंतर्यामी लगता है। हाँ नरसिंह जी ऐसा ही समझ लीजिए, बोल बोल में ठाकुर जी सारी बातें कर रहे हैं और नरसिंह जी महाराज नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इधर श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, रही वे को दई ठोर फूटी ढही पोरी जाके वे है सिर मारे बहु सुख पाए हैं। अब जितने जो पुरोहित जी गए थे उनको निमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण पत्र का देने के लिए, पुरोहित जी ने देख लिया नरसिंह जी आ गए हैं, जाकर रंगधर जी को कहा रंगधर जी आपके संधी जी आ गए हैं और बैलगाड़ी में खूब आपके लिए एक एक शेर के मनका वाली माला डूबर लाए हैं, गोपी चंदन लाए हैं, ऐसा लगता है सारे अंजार को बाबा जी बनाने के लिए आए हैं। अब रंगधर जी ने जब नरसिंह जी का आगमन सुना क्या क्या लाए हैं, रंगधर जी बोले अरे राम राम, इसने तो सब इज्जत हमारी धूल में मिला दी, ऐसा हो कि नरसिंह जी को अंजार में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाए, वही इनको कहीं नगर के बाहर ठहरा दिया जाए। रहवे को दही ठोर फूटी रही पौरी जाती, एक टूटी फूटी सी पुरानी हवेली में नरसिंह जी महाराज को रहने के लिए स्थान दे दिया गया। अब नरसिंह जी ने वहीं पर्दा लगाया और वहीं श्री ठाकुर जी को विराजमान किया, सब संतों के साथ बैठकर ढोल बखावर बजा के नाम संकीर्तन करने लगे, बहु सुख पाए हैं, नरसिंह जी को अत्यंत सुख हो रहा है, ऐसा नहीं लगा कहां हमें तो समझी है, कहां बैठा दिया, कहां हमें रख दिया, अत्यंत सुख, क्योंकि भाई भक्त के लिए सुख क्या है, जहां उसका भजन बढ़िया हो जाए वही तो उसके लिए सबसे सुखद स्थान है। सुखदेव जी महाराज 12 साल तक गर्भ से बाहर नहीं निकले, क्यों, जब गर्भ में भजन बढ़िया हो रहा है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। श्री ठाकुर जी ने कहा सुखदेव जी अपने लिए नहीं पर संसारियों के लिए तो निकलो, पर महाराज बाहर तो माया ग्रस्त लेगी, आप चिंता मत करिए, आपकी वाणी का आश्रय भी जो ले लेगा उसको माया छू नहीं पाएगी, घबराते क्यों, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी गर्भ से नहीं बाहर, सीता जी लगभग एक वर्ष तक रही है रावण के यहाँ वाटिका में, और हनुमान जी कह रहे हैं भैया आपको बहुत कष्ट है, लेकिन बड़ा सुंदर गोसाई तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न हुई। सबसे बड़ी विपत्ति ठाकुर जी का भजन जहाँ न बने वो सबसे बड़ा संकट का स्थान है, और जहाँ भजन बन रहा है वो सबसे बढ़िया सुखद स्थान है। श्री नरसिंह जी महाराज प्रियादास जी कह रहे हैं वे है सिर मोरे बहु सुख पाए, बहुत सुख नरसिंह जी को सवेली में मिला, बढ़िया एकांत स्थान है और ठाकुर जी का यही भजन करेंगे, कल भात करने का कार्यक्रम है, कल देख लिया जाएगा। नरसिंह जी महाराज वहीं बैठ के भोजन करने लगे और प्रियादास जी कह रहे हैं जल दे पठायो भली भांति के ओटायो भाई। नरसिंह जी महाराज ने जब वहां स्नान के लिए जल मांगा है तो सास को करकशा थी ही किसी एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल खोलता हुआ जल, गर्म जल भेजा है, जल दे पठायो भली भांति के ओटायो भाई, वर्षा सिरायो यो समोय के अन्हाए हैं। नरसिंह जी महाराज भोले भाले भक्त, जैसे श्री नरसिंह जी महाराज ने शरीर पर डाला अब तो शरीर में फलक उठ गए, एकदम से सारा शरीर दाह करने लगा,
नरसिंह जी कुछ बोले नहीं, केवल इतना ही कहा, भैया इतना गर्म जल था, बता तो देते, लोग तो खुंदक खाए हुए ही थे, सिखा पढ़ा के भेजे गए थे। नरसिंह जी इतने ऊंचे भगत हो तो वर्षा क्यों नहीं कर लेते हो? अब तो नरसिंह जी महाराज ने मेघ मल्हार राग में नाम संकीर्तन जब किया है, पूरे अंजार में इतनी बारिश हुई, इतना पानी बरसा कि नानी बाई के ससुराल में घर में लोग डूबने लग गए। नानी बाई की ननद की दो बेटियां थी, वे दोनों बेटियां उस पानी में डूब के मर गई। अब तो सबका सब अंजारा त्राही त्राही करने लगा। नानी बाई दौड़ के आई है, पिताजी पिताजी लोग क्या कहेंगे, आपके आने से इतनी बड़ी त्राही त्राही हो गई, आप कृपा करें ननद की बेटी वैसे ही चढ़ते हैं, आप इनको जीवित कर दें, क्योंकि वे तो अपने पिताजी के प्रभाव को जानती थी। नरसिंह जी ने दो तुलसी दल के पत्र दिए, बेटी ये पत्र ले जाके मुख में डाल देना, उनका भाग्य होगा तो जी जाएंगी और नहीं जी जाएंगी तो कौन उनको जिला सकता है। अब तुलसी दल लेके आई है नानी बाई, और जैसे ही ननद की बेटियों के मुख में डाला, दोनों की दोनों बेटियां बैठ के खड़ी हो गई ऐसे जैसे सो के उठी हो। अब नरसिंह जी की बेटी की सास सोच रही है, भाई ये तो बड़ा जादू टोना जानता है यार, जब ये मरे को जिंदा कर सकता है तो इसका क्या भरोसा जीवित को भी मार दे, हमारी खैर नहीं है। अब लेकिन द्वेष तो द्वेष, चाहे जितना प्रभाव दिखाई दे जाए अंधे को तो कुछ थोड़ी कुछ दिखाई पड़ता है, चाहे जितना सूर्य का प्रकाश हो अंधे को क्या दिखाई देगा, द्वेष बहुत तगड़ा था। वर्षा सिरायो यो समोय अन्हाये है, अब सबके सब नानी बाईना के प्रार्थना की, महाराज वर्षा बंद कर लीजिए। नरसिंह जी ने कीर्तन मेघ मल्हार में गाना बंद कर दिया, बारिश रुक गई। और उसके पश्चात नरसिंह जी महाराज के लिए जब भोजन की व्यवस्था की गई है, सड़ी बासी कई दिन पुरानी खिचड़ी नरसिंह जी महाराज को परोसी गई, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्त का इतना बड़ा अपमान नहीं सह सकते हैं, वो खिचड़ी ही खीर और मालपुआ के रूप में बदल गई, पंक्ति भेद किया गया था। और जो जितने भी उनके रिश्तेदार नातेदार, उनके सबके लिए हलवा पूड़ी और गुलाब जामुन और न जाने क्या क्या मिष्ठान पकवान, अब उनके मिष्ठान पकवान तो खिचड़ी हो गए और नरसिंह जी की खिचड़ी हलवा बन गई। अब सबके सब संत सब सूरदास, वाह नरसिंह जी बड़ी खातिरदारी हो रही है, खूब हलवा चढ़ा रहे हैं, खूब खीर घुट रही है, नरसिंह जी तो जान रहे हैं तो सब ठाकुर जी की लीला है, नहीं तो यहाँ खिचड़ी भी भाग्य में नहीं है, हलवा खीर कहाँ से मिलेंगे। नरसिंह जी महाराज आए हैं यह जान के श्री कुंवर बाई जी उनका सत्कार करने के लिए पहुंची है, और साथ में कुछ सहेलियां गई थी, गांव की नारियां गई हुई थी, अक्षत लोरी लेके पिताजी को तिलक की, जानती हैं और तो कोई इनका सत्कार करेगा नहीं, और मेरे पूज्य पिता तो पूरे संत हैं, अगर इनका सम्मान अंजार में नहीं हुआ तो अंजार का कल्याण नहीं हो सकता, अंजार का विनाश हो जाएगा, वैष्णव अपराध बहुत प्रचंड अपराध होता है। स्वयं कुंवर बाई जी पिताजी का सत्कार करने के लिए पहुंची है, और जब सत्कार करने के लिए गई, तिलक लगाया, रोली चावल लगाए, तो नरसिंह जी ने कहा, बेटी इतने से रोली चावल से काम नहीं चलेगा, हमारे साथ जितने संत आए हैं इन सब के लिए कम से कम 80 किलो का कलेवा चाहिए, और बेचारे कभी तो विवाह आदि में गए नहीं, इनके लिए बढ़िया कपड़े वस्त्रों की व्यवस्था कर दो। अब साथ की जो नारियां थी सबकी सब व्यंग मार रही है, हंसी नारी अंजार की सुन नरसिंह के बहन, और उल्टो मांगे कापड़ा आयो छोछक दें, ये तो उल्टा ही मांग रहा है, ये किसी को क्या देगा, व्यंग मार रहे हैं, अरे काली मुंडा की, अरे मुड़िया की लड़की तू क्या बेइज्जती कराएगी, व्यंग मार रही है। अब नरसिंह जी की बेटी श्री कुंवर बाई जी ने प्रार्थना की है, पिताजी आपके पास सामर्थ्य नहीं थी तो आप क्यों आए, ये लोग खुंदक खाए बैठे हैं, आपका अपमान करेंगे और मेरे से देखा नहीं जाएगा। नरसिंह जी बोले, बेटी मान और अपमान की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, तूने घर में रहकर क्या सीखा, मीराबाई जी का पद है, माई मोई ये बदनामी लागे मीठी, भक्त तो अपयश से प्रेम करते हैं, अगर ये तेरी बदनामी कर रही है या तेरा व्यंग तुझे मार रही है उपहास कर रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नरसिंह जी महाराज ने बेटी को कहा, बाई चिंता मत करो, मन में धीरज धार, मन माने जो मांगियो देवो सृजन हार, बेटी घबरा मत, अपनी सास को जाके कह दे बाहर में जो कुछ चाहिए लिख के भेज दे, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, क्योंकि
भले हमारे संग न कौड़ी नहीं सोंज तैयारी कमी परे न कछु संग में सांवरिया गिरधारी। भले हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है पर तेरे बात में कमी नहीं आने देंगे क्योंकि संग में सांवरिया गिरधारी। सांवरिया सेठ को मत भूल लाख करोड़ अरब पति से औरन की रिश्तेदारी मेरे सांचे अपने ये हैं जिन्हें श्याम से यारी। लोगों के लोग बनाते हैं बड़े बड़े रिश्ते कोई करोड़पति से अरबपति से पर नरसी जी कह रहे हैं जो श्री ठाकुर जी से संबंध बनाते हैं वे ही मेरे सच्चे संबंधी हैं और मेरा दुनिया में कोई संबंधी नहीं है। तू घबरा मत जो चाहिए सो तुझे मिलेगा। नरसी जी महाराज के पास जो सामग्री रखी थी बेटी बोली पिताजी कल जब बोली बोली जाएगी भात वाले प्रस्तुत हों भात का सामान प्रस्तुत करें तो आप क्या यही चिमटा और यही तुम्बा कमंडल गोपी चंदन और माला झूरी ही सामने रखेंगे क्या? लोग क्या कहेंगे पिताजी मैं आपका अपमान नहीं सह सकती मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं चिंता जी नी करो जाय सासु ढिंग ढरो लिखी कागद में धरो अति उत्तम अघाय के। बेटी चिंता मत कर कागज में लिख के चिट्ठा तू लिखला जितना सामान जिसको जितना चाहिए मिलेगा। कही समझाए सुनी निपट रसाय उठी और कियो परिहास लिखियो गांव खन साय। खुंदक खाई हुई थी सास जैसे कुंवर बाई जी गई है माताजी पिताजी ने कहा है जिसको बात में जितनी चीज चाहिए आप उनको लिख के भेज दें चिट्ठा लिख दें जो चाहिए सो मिलेगा। सास बोली अच्छा अपना तो कोई हिसाब किताब नहीं हमारा चिट्ठा गांव का पूरा करेगा और हमारी कल हंसी उड़वाएगा ये। अब पूरी वो तो रस्म भरी हुई थी सास। सास ने कहा ठीक है तो चिट्ठा लिख ही देते हैं अब सबको पता था लेन देन तो कुछ होना नहीं है ये तो एक विनोद मजाक चल रहा है जितना चाहो लिख दो। अब उनका कुंवर बाई जी का देवर उठा नारायण और उसने चिट्ठा उठाया और उसने पूरे गांव भर के लिए भक्तमाल जी ने जो लिखा है ऐसा बड़ा चिट्ठा लिखा है सब अनाप शनाप सामान लिखते चले गए हास परिहास के लिए। सबसे पहले लिखा गया सपरिवार श्री गणेश जी के लिए जड़ी की पांच पांच पोशाकें सवा लाख रुपए नकद भेंट में चाहिए और इसी प्रकार गांव के जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों को ऐसी पोशाक और इतनी भेंट चाहिए। पूरे अंजार के ब्राह्मण से चांडाल तक सब स्त्री पुरुषों को पांच पांच वस्त्र चाहिए मोहरें चाहिए रत्न जटित विशेष रूप से जो परिवार के लोग हैं उनको रत्न जटित वस्त्र चाहिए घर के लोगों को श्रेष्ठ वस्त्र चाहिए मोहर चाहिए चांदी सोने के बर्तन चाहिए। ऐसा चिट्ठा लिखाया है सास ने और कह दिया कि ये चिट्ठा पूरा हो जाए तो ही कल बाद में मुंह दिखाए नहीं तो मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। कुंवर बाई जी कागद ले आई देख दूसरे फिर आई पुनी चिट्ठा लिख के आई पिताजी सास ने चिट्ठा लिख के भेज दिया है नरसी जी ने देखा भी नहीं और ठाकुर जी के भरोसे कह दिया कुंवर बाई अपनी सास को एक बार मौका और दे दो जो कुछ रह गया हो उसको लिख दें क्योंकि जो लिखेगा वही मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और दोबारा भी नहीं मिलेगा इसलिए और भी कुछ रह गया हो तो लिख दें। कुंवर बाई जी जब अपनी सास के निकट पहुंची माता जी ऐसा कह रहे हैं और रसे आ गई बोले हाँ हाँ मेरे से अभी और लिखना बाकी रह गया इसमें दो पत्थर और लिख दो। भूले पे न पाई जात पाथर लिखाए हैं। सास बोली मैं भूल गई थी इस चिट्ठी में दो पत्थर लिखना भूल गई मुझे चांदी सोने के दो पत्थर चाहिए एक पत्थर पे बैठ के पांव घिसूंगी एक पत्थर पे बैठ के नहाऊंगी और मुझे ये दो पत्थर चांदी सोने के बहुत आवश्यक है। कुंवर बाई जी ने झट से सास के कहने से दो पत्थर चिट्ठी में लिख दिए और जैसे ही चिट्ठी लेके नरसी जी के निकट पहुंची पिताजी जो बाकी रह गया था वो भी पूरा हो गया है अब आप जल्दी से जल्दी भात की तैयारी कर लें। वहां पिता पुत्री का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। बेटी कह रही है तुम पे तो कछु दिखे ना ही सूरा साथ है आया। पिताजी आपके पास मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा आपने इतनी लंबी चिट्ठी तो लिखवा ली पर सूरा साथ आए सोलह सूरदास के अलावा मुझे तो आपके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और फाटा कापड़ा टूटी गाड़ी बैल
पुरातन लाया, कपड़े भी फटे हैं, गाड़ी भी टूटी है और बैल भी बिल्कुल मरासू हो रहे हैं। समधी के दर छूछक दैवे ताल बजावत आया, कंठी माला और तुमड़ा मृदंग शंख बजाया। ये समधी के घर में आप क्या किसकी बेइज्जती कराने के लिए आए हैं? गोपी चंदन और रामरज तीखा तिलक बनाया, और जीवन का जमणारा थे तो कौड़ी एक न लाया। आपको यहाँ आके देना चाहिए, और यहाँ तो आप स्वयं ही पंगत करने के लिए आए हैं पिताजी, अपयश होगा। कुमरी कहे लाज तुम खोई, देश गिराने आया, आपने परदेश में आके लाज खो दी है। देन लेन ने मारे नाही सांवल शाह बुलाया, नरसी जी बोले बेटी मैं देन लेन करना नहीं जानता हूँ, देन लेन के लिए तो मैंने सांवल शाह को बुलाया है, तू घबरा मत। एक पलक में सब जग पेल है सांवरिया गिरधारी, द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो अब की बेर हमारी। हमने सुना है कि द्रौपदी के लिए तो वस्त्रावतार भी ले लिया था, तो अब की बार द्रौपदी नहीं तो हमारी बारी सही, ठाकुर जी हमारी लाज भी रखेंगे। और कुंवर बाई जी ने नरसिंह जी महाराज को वह पत्र जो था वह हाथ में थमा दिया। अब अगले दिन भात का जब समय आया, इधर सब ननद भौजाई और सब देवर वेवर उनको भला बुरा कह रहे थे, कहाँ गया तेरा पिता, कहाँ मर गया, भात के समय अभी आया नहीं, समय से सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब बैठे हैं, भात का सामान देखा गिना जाएगा, कहाँ गया तेरा बाप बाबा जी, सब व्यंग मार रही। श्री कुंवर बाई जी बार बार देख रहे हैं सांवल शाह आए कि नहीं आए, सांवल शाह मेरे भाई आए कि नहीं आए। उसी समय श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी को साथ ले, रुक्मणी जी आज जितना गहना लद सकती हो लद लो, आज सब गहनों की सफलता है, जितना पहन ओढ़ सकती हो सज दज सकती हो ओढ़ पहन लो, आज भात में जाना है। रुक्मणी जी ठाकुर जी की आज्ञा पाते ही, और ठाकुर जी तो सेठ जी के रूप में और रुक्मणी जी सेठानी के रूप में, दोनों सेठ सेठानी के रूप में, पीछे पीछे सैकड़ों रथ आ रहे हैं सामान से, लगातार गाड़ियां भरी हुई हैं। अब सारे अंजार के लोग देख रहे हैं भाई कौन सेठ आया है, कौन सेठ आया है। लोगों ने पूछताछ कर दी, महाराज कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। श्री ठाकुर जी ने कहा भैया हम तो नरसिंह जी के गुमास्ता हैं, उनके मुनीम हैं। सेठ जी ने बुलाया इसलिए भर भर के गाड़ियां ला रहे हैं, सुना है कि नरसिंह जी की बेटी के यहाँ भात भरने का कार्यक्रम है, आदेश हुआ तो हम आ रहे हैं। महाराज इतना धन, अरे इतना धन क्या, ऐसे 360 कारीगर उनके नीचे काम करते हैं, तुम आश्चर्य मत करो। ठाकुर जी तो पूरे सौंद के साथ पूरी तैयारी के साथ वहां पर आए हुए थे, और जब भात आरंभ हुआ है, अंजार के सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को भर भर के सामान दिया गया है। रुक्मणी जी सेठानी के रूप में खूब वस्त्र लुटा रही है, खूब सामान लुटा रही है, खूब भर भर के दे रही है। बीच में रुक्मणी जी रुष्ट हो गई, नाथ जल्दीबाजी में आप कई काम गड़बड़ भी कर देते हैं, अरे भात तो गठजोड़ा के साथ दिया जाता, आपकी और हमारी वस्त्र की गांठ तो जुड़ी नहीं, आधा भात तो ऐसे ही चला गया। ठाकुर जी बोले देवी घबरा मत। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर रुक्मणी जी के कंधे पे डाल दिया। अब तो दोनों के दोनों सेठ सेठानी भर भर के उनको दान देने लगे, पशुओं की झूल, यहाँ तक की उस चिट्ठे में गांव भर के जितने भी गाय बैल हैं सबके लिए रत्नमालाएं, सबके लिए झूल, सब कुछ लिख दिया था। उस सास की कल्पना जहां तक जा सकती थी उसने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ लिख दिया। अब एक एक पशु के लिए झूल लाई गई है और सबके गले में रत्नमाला धारण कराई गई है, लेकिन सास दो चीजें भूल गई, मेवा और सुपारी लिखना भूल गई। अब तो सांवल शाह गिरधारी बोले माता जी ये बोरे के बोरे मेवा और सुपारी पड़ी है, ये तो आपने लिखी भी नहीं थी, ये तो हम वैसे ही साथ में ले आए। और सास नीचे को मुंह लटका के बैठ हुई है, अरे हमने तो सोचा था कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो इतना आ गया कि घर में धरने की जगह नहीं बन रही है। गांव प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, गांव पहराए छवि छायो जस गायो अहो हाटक रजत भे पाथर भुलाए हैं। पूरे गांव भर को श्री ठाकुर जी ने पंगत बैठा के भोजन कराया है, जितनी रिद्धि सिद्धियां थी देवी देवता थे सबने आके नरसिंह जी के भात में, श्री नानी बाई जी के भात में सब रिद्धि सिद्धियों ने भोजन कराया, पूरे गांव भर को भोजन कराया।
और इतने प्रकार के व्यंजन की गिनने से नहीं गिने जा रहे हैं। अब नरसी जी ने मन में विचार किया कि ठाकुर जी ने कैसी लाज रखी है, और श्री ठाकुर जी सब सामान तो दे दिया पर अभी सास के दो पत्थर रह गए थे। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो गांव का कोई एक आदमी भी भात से बच जाए। तो ठाकुर जी ने अब तक तो दिया ही था, अब वर्षा शुरू कर दी। अब तो कपड़ों के थान सिर पे गिर रहे हैं, मोहर की मोहरें गिर रही हैं, और जो दो पत्थर थे ना वो भी सास के सिर पे गिर रहे हैं। इतना सामान की वर्षा हुई, इतनी सामान की लोगों की घर की छतें टूटने लगी। अब छज्जे टूट टूट के गिरने लगे, सबके सब पहुंचे नरसिंह जी बस बहुत है, और बात नहीं चाहिए, और सामान नहीं चाहिए, मना करो सांवलिया सेठ को, बहुत वर्षा हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल जी में लिखा है, संवत 1481 माघ शुक्ल सप्तमी तिथि को रविवार के दिन अंजार में ये लीला हुई थी। आज भी ऐसा लिखा है भक्तमाल जी ने, और बात सही है, जब भी उस भूमि की खुदाई होती है तो आज भी उस समय की वर्षा की चीज वहां मिलती है, मोहरें मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वस्तु पदार्थ मिल जाता है जो आज भी इस बात का साक्षी है कि श्री ठाकुर जी का जब श्री नरसिंह जी महाराज के यहाँ सांवलिया सेठ बन के भात भरने के लिए आए हैं तो वो किस प्रकार से आए हैं और कैसे उनका भात भरा है। लिखा है भक्तमाल जी ने, अंगना समात सुता तात को निरख रंग संग चली आई पति आदि बिसराए। अंगना समा, इस लीला का प्रभाव किसी पर पड़ा हो या न पड़ा हो, पर श्री नरसिंह जी की पुत्री श्री नानी बाई जी कुंवर बाई जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। कुंवर बाई जी ने ससुराल छोड़ दिया, जिनके पिता इतने महान संत हैं, जिनके लाज रखने के लिए श्री ठाकुर जी पग पग पर आगे दर्शन दिए हैं। कुंवर बाई जी ने सोचा, ऐसे विमुख घर में रहकर मुझे करना क्या है। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पद है, जिस समय श्री मीराबाई जी के ऊपर पूरे राज्य ने, राज्य सत्ता ने आतंक मचाया है, मीरा जी ने एक पद लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण मिटाई। हे गोसाई तुलसीदास जी महाराज, मैं आपसे इस परिस्थिति में पूछना चाहती हूँ, सबके सब घर वाले लोग बड़ा आतंक मचाए हुए हैं, न सत्संग करने देते हैं, न भजन करने देते हैं, बहुत प्रतिबंध लगाते हैं, आपका क्या विचार है, मुझे छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। उस स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस प्रश्न के उत्तर में मीरा जी को एक बहुत सुंदर पद लिख के भेजा है, और वो पद था, जाके प्रिय ना रावे दे तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम वैदेही। लिखा मीरा जी, जिसको श्री ठाकुर जी से प्रेम ना हो तजिए ताही छोड़ने में सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, वो परम प्राणों से प्यारा, घनिष्ठ से घनिष्ठ, आत्मीय से आत्मीय क्यों ना हो, लेकिन कोटि बैरी सम उसको करोड़ों शत्रुओं के समान समझ के छोड़ देना चाहिए। अरे छोड़ने में लौकिक धर्म बाधित नहीं होगा। आप कहते हैं छोड़ दो, किसी के माता पिता बैरमुख हैं, किसी का भाई तो किसी का पति तो किसी का पुत्र, क्या छोड़ने में दोष नहीं होगा। तो स्वामी तुलसीदास जी बोले, दोष कहाँ हुआ, उदाहरण प्रमाण दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत
गोसाई जी कह रहे हैं, तजो पिता प्रहलाद। अरे प्रहलाद जी ने गर्भ पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया तो क्या दोष लगा प्रहलाद जी को? बंधु विभीषण ने भाई रावण को छोड़ दिया तो क्या विभीषण जी को दोष लगा? भरत मेहतारी, भरत जी ने माँ को छोड़ दिया, भरत जी को कोई दोष नहीं लगा। और बलि गुरु तजो, बलि राजा बलि ने तो गुरु तक को छोड़ दिया। जीव गोस्वामी जी ने भी कहा है, वैष्णव द्वेषी गुरुरपि त्याज्या, वैष्णव विद्रोही ठाकुर जी से विमुखी, यदि कोई गुरु भी है तो उसको छोड़ देने में कोई दोष नहीं लगेगा। वैष्णव द्वेषी गुरुरपि त्याज्या, गुरु को छोड़ने में भी दोष नहीं है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाते एक राम के मनियत पूज्य सुसेव्य जहानो, और अंजन कहा आंख जी फूटे बहुतक कहो कहां लो। अरे आंख में काजल लगाया जाता है आंख फोड़ने के लिए कि आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए? ऐसा काजल किस काम का जो आंख ही को फोड़ डाले? ऐसा संबंध किस काम का जो श्री ठाकुर जी से ही बहिर्मुख कर दे, ठाकुर जी से ही विमुख बना दे? नाते नेह राम की मनियत, जिनका भगवान से संबंध है उनसे ही संबंध रखो, बाकी संसार में कोई संबंध स्थापित करने योग्य है ही नहीं। इसलिए रामचरितमानस में यहां तक गोसाई जी ने लिख दिया, स्वयं श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भावना सुरिद परिवार, जितने संबंध हैं ये संबंध स्थापित करने योग्य नहीं है। भैया संसार में पहली बात तो कोई संबंध बनाने योग्य स्थान नहीं है, दूसरा हम संबंध जबरदस्ती स्थापित करते भी हैं तो वो संबंध निभ नहीं पाते हैं। श्री ठाकुर जी जैसा संबंध निभा सकते हैं, दुनिया में कोई निभा नहीं सकता। इसी को रागानुगा भक्ति कहा गया है, अनुराग पूर्वक श्री ठाकुर जी की भक्ति की जाए, उनसे कोई भी संबंध स्थापित कर लिया जाए किसी भी भाव का, वे सब कुछ बनने को तैयार है। एक गोसाई श्री विठलनाथ जी के जीवन चरित्र की बड़ी सुंदर घटना है, भगवान कैसे संबंध निभाते हैं ध्यान दिया जाए। पुष्टि मार्ग में आज भी बाल भाव की सेवा है, गोसाई जी महाराज श्री श्रीनाथ जी को अपना बालक मानते थे, छोटा सा बालक, उसी भाव से सेवा करते। गोसाई जी के सात बेटे थे, गोकुल की घटना है, एक बार सात बेटों की सात बहुएं, एक बार कोई चूड़ी पहनाने वाली मुनिहारिन आई चूड़ी पहनाने के लिए। गोसाई जी ने कहा जाओ भीतर चली जाओ और भीतर रनिवास में जाके जितनी हमारी बहुएं हैं उनको चूड़ी पहना दो। तो वो मुनिहारिन भीतर गई, सात बहुएं थी, उन सात बहुओं में श्री राधा रानी भी घूंघट मार के चूड़ी पहनने के लिए आ गई। और जैसे ही सात बहुओं को पहनाया, आठवीं बहू के रूप में श्री राधा रानी ने जब हाथ आगे बढ़ाया, उस मनिहारिन ने श्री जी के हाथ को जब अपने हाथ में लिया, राधा रानी के सुखद सुकोमल शीतल कर स्पर्श को पाकर वो मनिहारिन बेसुध हो गई, भूल गई सब कुछ, कैसे चूड़ी पहना, इतने कोमल हाथ कैसे छू, कैसे इनको पहना। राधा रानी ने अपने आप चूड़ी उठाई, धारण कर ली। अब वो मनिहारिन चूड़ी पहना के तो आ गई, अब गोसाई जी महाराज से हिसाब किताब लेन देन का किया, गोसाई जी महाराज ने उसको सात बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। अब वो बोली महाराज मैंने तो आठ बहुओं को पहनाई, बोले आठ तो है ही नहीं, तू कहाँ से आठ बहुओं को पहना दी, सात बेटों की सात बहू है। और तो लगी सौगंध खाने, गिरिराज जी की सौगंध, यमुना जी की सौगंध, नाथ जी की सौगंध, मैंने आठ लोगों को चूड़ी पहनाई। गोसाई जी सोच रहे हैं इसके मन में बेईमानी आ गई है, कोई बात नहीं फालतू ले जाएगी, सौगंध क्यों खा रही है, आठ लोगों के पैसे दे दिए। अब वो तो पैसे लेके चली गई। अब रात भर गोसाई जी महाराज सात आठ के चक्कर में पड़े हुए, नींद नहीं आई गोसाई जी को, सात बहुएं आठ कौन सी आ गई, कौन ले गई। श्री राधा रानी
रात्रि के समय शयन कक्ष में जब हुक्कड़ मार के आई है, सारा कक्ष जगमगाने लग गया उनके गौर रूप के गौर वर्ण से, सारा कक्ष दीप्यमान हो गया। और श्री जी को देखते गुसाई जी एकदम से बैठ गए, हाथ जोड़, स्वामी जी आप कैसे पधारी रात्रि में, गुसाई जी आपके सात आठ का चक्कर दूर करने के लिए आए हैं। आप कह रहे थे कि हमारी तो सात ही बहू है, एक बात बताइए आप श्रीनाथ जी को अपना बेटा मानते हैं कि नहीं मानते? बोले मानते हैं। तो वे आपके बेटे हैं तो क्या मैं आपकी पुत्र वधु नहीं हूँ? आपको सातवीं याद रही, आठवीं वधु को भूल गया? गोसाई जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। देखो हम संबंध भूल गए पर श्री स्वामिनी जी ने आपके स्वयं संबंध को पूर्ण कर दिया। जीव में सामर्थ्य कहां की वो संबंध निभा सके, निभा ही नहीं सकता है। संबंध स्थापित करने योग्य स्थान तो केवल श्री ठाकुर जी, केवल श्री ठाकुर जी। जो मन आए, बेटा बहू भाई बंधु माता पिता ही नहीं, भगवान को चेला बनाना चाहोगे तो चेला भी बन जाएंगे। ज्यादा पुरानी नहीं, 150 वर्ष पुरानी घटना भक्त कुमार जी ने उमापति जी की, विद्यापति जी की, श्री उमापति जी पंडित जी की लिखी है। रोजाना अयोध्या जी में जाते और अपनी एक माला पहन के जाते और भवन में, कनक भवन में जाके राम जी को अपनी प्रसादी माला देते थे, क्योंकि वशिष्ठ गोत्रीय थे तो कहते थे हम राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं, उसी गोत्र में हम पैदा हुए इसलिए राम जी गुरु जी हैं, राम जी हमारे चेला, ऐसा कहते थे। और रोज एक माला प्रसादी करके राम जी को पहनाते, लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये क्या ढोंगढांग यहाँ पे करता है, जैसी भावना अपने घर में किया कर, मंदिर में सबके सामने राम जी को उत्तरी माला पहनाता है, अपराध है, कल से अमनिया माला लाना। उमापति पंडित जी अगले दिन अमनिया माला लेके गए, धारण नहीं की, जैसे नई माला बना के कोरी लेके गए थे, राम जी को जैसे ही धारण की राम जी के गले में माला टूट गई, पहनी नहीं राम जी ने माला। लोगों ने कहा ये बहुत कौतुकी है, आज कच्चे धागे में माला बना के ला, इसको पक्के धागे में करवाओ। पक्के धागे में माला बनाई गई, राम जी को माला पहनाई, तड़ाक से माला टूट गई, जितनी बार धारण करा माला टूट गया। वशिष्ठ जी बोले, श्री उमापति जी बोले, भैया ये हमारे सच्चे चेला हैं और चेला गुरु की प्रसादी माला ही पहनता है, कोरी माला नहीं पहन सकता। उसी माला को पंडित जी ने अपने गले में धारण करके राम जी को धारण करा, फिर नहीं माला टूटी। लोगों को विश्वास हो गया वास्तव में इनकी जो इनके प्रति संबंध है। एक बार राम जी का डोला निकल रहा था तो उमापति जी के मोहल्ले से निकला तो राम जी ने मस्तक झुका लिया, गुरु जी का मोहल्ला मस्तक कैसे ऊपर करें, अब बार बार पुजारी मुकुट धारण करें, मुकुट ही नहीं टिके सिर पे, बार बार पहना मुकुट गिर जाए, बार बार मुकुट गिर जाए। किसी ने कहा भैया ये गुरु जी का मोहल्ला है, अभी सिर ऊपर नहीं होगा, मोहल्ले से निकल जाओगे तो अपने आप मुकुट धारण हो जाएगा। वही हुआ, मोहल्ले से निकलते ही सीधा हो गया सर। ऐसी ऐसी अनेकों चमत्कारिक घटनाएं संबंध स्थापित करने की, शिष्य पुत्र के समान होता है और राम जी शिष्य हैं तो सीता जी पुत्र वधु के समान हुई। तो जब उमापति जी दर्शन करने जाते थे तो सीता जी की तरफ का दरवाजा बंद करा दिया करते थे, क्योंकि पुत्र वधु को ससुर कैसे देख सकता है। तो एक दिन प्रमादवश पुजारी दरवाजा बंद करना भूल गए। अब उमापति जी जब गए हैं तो सीता जी ने अपने आप धड़ाक से गेट को बंद कर दिया। उमापति जी को इतना कष्ट हुआ कि हमारी जिस पुत्र वधु सीता जी को मैया कौशल्या ने कभी दर्पण उठाने की भी हाथ में सेवा नहीं दी थी और आज इन पुजारियों के प्रमादवश सुकोमलांगी सीता को अपने आप खड़े होकर दरवाजा बंद करना पड़ा। आज से हम मंदिर में नहीं आएंगे, घर में ही अपने भावना की सेवा करें। पुजारी चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करो, अब ये प्रमाद, अब ये भूल नहीं होगी। तो हम तुम क्या संबंध निभाएंगे जो ठाकुर जी संबंध निभा सकते हैं? संबंध के योग्य संसार में कोई स्थान है ही नहीं, संबंध स्थापित करने योग्य कोई स्थान संसार में नहीं, क्योंकि नित्य प्रिय पति सुतादि भी आरती दई किम। हम जिनसे संबंध बनाते हैं वो सब चूंकि मरण धर्मा जीव हैं, इसलिए उनसे संबंध बनाने से परिणामतः कष्ट ही मिलता है। मीरा जी कह रही हैं, साथी महाराज जन्म मरण रासा
ही जो है वो केवल श्री ठाकुर जी है। श्री कुंवर बाई जी के चित्त पर इतना प्रभाव इस घटना का पड़ा है, उसी समय ससुराल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। दो पुत्रियां थी, कुंवर सेना और रत्न सेना। कुंवर बाई तो छोड़ छाड़ के आ गई, रत्न सेना ने विवाह नहीं किया। दोनों कन्याएं बैठ के नरसिंह जी के साथ भजन करती, कीर्तन करती। और वहां लिखा है, बड़ा सुंदर नरसिंह जी का पद है, नारायण नाम न लेता वारे तेने तजिए रे, मनसा वाचा कर्म करीने लक्ष्मी वरने भजिए रे। जो श्री ठाकुर जी का नाम न ले उससे कैसा संबंध, छोड़ दो। कुल ने तजिए कुटुंब ने तजिए, तजिए माने बाप रे, भगनी सुत दारा ने तजिए जिन तजे कंच की सांप रे। ऐसे छोड़ दो जैसे सांप कांचुरी को छोड़ देता है। सांप के शरीर में कांचुरी होती है और जब कांचुरी होती है उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और समय से वो अपने आप कांचुरी जो है वो छोड़ देता है कांचुरी। तो जैसे सर्प को कांचुरी छोड़ने से कोई कष्ट नहीं होता है और छोड़ने के बाद छोड़ी हुई उस कांचुरी की याद भी नहीं आती है, वैसे ही भगवत विमुखी जन प्रिय से प्रिय क्यों ना हो उनको इस तरह से छोड़ दिया जाए कि छोड़ने के बाद उनका कभी चिंतन भी ना हो, उनका कभी स्मरण भी ना हो। कुल ने तजिए कुटुंब ने तजिए, तजिए माने बाप रे, भगनी सुत दारा ने तजिए जिम तजे कंच की सांप रे, और प्रथम पिता प्रहलाद तजियो न तजियो हरि नाम रे। प्रहलाद जी ने, अगर पितृ धर्म में प्रहलाद जी बंध जाते तो भक्ति धर्म थोड़ी कर पाते, लेकिन भक्ति धर्म की सिद्धि के लिए प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। प्रथम पिता प्रहलाद तजियो न तजियो हरि नाम रे, भरत शत्रुघ्न तजी जनेता ने तजिया श्री राम रे। ऋषि पत्नी ये श्री हरि काजे, सर्व तजी ने चाली रे, बड़े नरसैयों वृंदावन मा मोहत साथे माली रे, नारायण मु नाम न लेता वारे तैने तजी रे, और मनसा वाचा कर्म करीने लक्ष्मी वरने भजिए रे। शरीर मन वाणी त्रिवद रूपेण श्री ठाकुर जी के निमित्त कर्म किया जाए, बाकी उनसे जिनका संबंध न हो उनसे संबंध न स्थापित किया जाए। वृद्धाश्रम में क्या मांगा, देना जन्म मरण से नहीं घबराता हूँ, पर संसारियों से संबंध होने से घबराता हूँ। जन्म मरण बार बार वो कोई समस्या नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है, साईं तुलसीदास जी कह रहे हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां धरे धनु और बाना। भक्त स्वर्ग में रहे तो कोई आपत्ति नहीं, नरक में रहे तो भी आपत्ति नहीं, और मुक्त हो जाए तो भी आपत्ति नहीं। क्यों? जहां श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी के जन है भक्त केवल वहीं रहना चाहता है, बाकी वो नरक हो बुरे से बुरा स्थान हो जैसी भी जगह, जहां भक्तजनों का संग मिल जाए। भागवत जी का उद्घोष है, नयत्र वैकुंठ मधा सुधापगा, प्रसादमो भागवतः तदाश्रया, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि नवै ससेव्यतम। जहां तीन चीजें न हो वो ब्रह्मलोक भी हो तो छोड़ दो, ब्रह्मलोक में तो रहने योग्य नहीं। कौन कौन तीन चीजें? नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां श्री ठाकुर जी का पवित्र नाम की चर्चा नहीं है, जहां कथा कीर्तन नहीं है। दूसरा, जहां उस कथा कीर्तन की नदी को बहाने वाले संत नहीं है। और तीसरा, जहां भगवत महोत्सव नहीं है। ऐसी तीन जगह, तीन चीजें जिस जगह नहीं है वो स्थान रहने योग्य स्थान नहीं है। वहां रहना ब्रह्म लोग हो तो भी मत रहो, जहां कथा नहीं, जहां संत नहीं, जहां भगवत महोत्सव नहीं। क्योंकि महात्माओं ने कहा है, वहां न कबहू जाइए जहां न हरि को नाम, और दिगंबरों के गांव में धोबी का क्या काम। जिस गांव में नग्न लोग रहते हो वहां धोबी को रहने से क्या लाभ होगा, धंधा चौपट हो जाएगा। तो दिगंबरों के गांव में जैसे धोबी को नहीं रहना चाहिए, वैसे अभक्तों के स्थान पर भक्तों को नहीं रहना चाहिए, उनका भक्ति धर्म चौपट हो जाएगा।
भक्ति शुद्ध नहीं होगी। इसलिए वही स्थान सेवनीय है, वही स्थान रहने योग्य है जहाँ संत जन हो, जहाँ कथा चर्चा हो, जहाँ रोज ठाकुर जी के महोत्सव होते हो। आज ठाकुर जी का ये उत्सव आज वह उत्सव, रोज महोत्सव होते हैं, वही स्थान रहने योग्य स्थान। अतः श्री कुंवर बाई जी ने ससुराल को छोड़ दिया और ससुराल छोड़ के कुंवर बाई जी लौट के पिताजी के घर में आ गई हैं, दोबारा कभी ससुराल नहीं गई, वहीं रह के भजन किया है। और आगे नरसिंह जी के जीवन में जो चमत्कारी घटनाएं हुई हैं उनका श्रवण हम लोग कल करेंगे। तो आज की चर्चा को यही विश्राम देंगे और अब पुनः प्रतिदिन की भांति ब्रज रस में निमग्न करेंगे। राधिकेश जी जो बड़ी सुमधुर वाणी से हम लोगों को रोज एक बार ब्रज की यात्रा करा देते हैं, तो बस इस ब्रज भाव के माध्यम से हम सब लोग इस रसमय उपासना को एक्सरसाइज टाइम। मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं भी, जा दिन सो लख्यो छेल हरि को, वा दिन सो उर धरी नाने, वा मुस्कान की मोहनी दान पे उसकी मुस्कान पर, मोहिनी रूप पर सारा कुल खानदान सब मैंने बार दिया। और कैसी स्थिति हो गई, कैसे करो मति का सो कहूं, बलवीर बिना मोहे मन न माने, मोहे सबे जग सांवर सूझत, सांवर की गति सांवरो जाने। और उस गोपी को सब जगह वह सुंदर श्याम सलोना ही दिखने लगा, तो उसने क्या ठान लिया, मैं तो सांवरिया के जाऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो सांवरिया के जाऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया।
मैं तो सांवरिया के जाऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो हर सांस रो सब मिल रोके हर सांस रो मैं तो ऐसे ही इतना आऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो ऐसे ही रोके सारी दुनिया। वाही से ले हजराऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया। मैं तो वाही से ले हजराऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया। कैसा रूप है सूरत सांवरो प्यारी प्यारी अखियां। सूरत सांवरी मैं तो नैनन माही बताऊं
So tomorrow we will again